लखनऊ के चर्चित श्रवण साहू हत्याकांड में लापरवाही बरतने पर तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जांच में मंजिल सैनी को श्रवण साहू की सुरक्षा में लापरवाही बरतने का दोषी माना गया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने यूपी के मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मंजिल सैनी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की सिफारिश की है। दरअसल 1 फरवरी 2017 को लखनऊ के सादातगंज इलाके में व्यापारी श्रवण साहू को बाइक सवार बदमाशों ने दुकान में घुसकर गोली मार दी थी। इस वारदात में उनकी हत्या हो गई थी। इससे पहले अक्टूबर 2013 में लखनऊ के हिस्ट्री सीटर अकील अंसारी ने श्रवण साहू के बेटे आयुष की गोली मारकर हत्या करी थी। ठाकुरगंज इलाके में हुई बेटे की हत्या के मामले में श्रवण साहू लगातार पैरवी कर रहे थे। जेल में बंद हिस्ट्री सीटर ने भी दी थी। आपको बता दें, श्रवण साहू को बयान से मुकरने और केस में पैरवी न करने के लिए लगातार धमकी भी दी जा रही थी। फोन पर मिल रही धमकियों के बारे में श्रवण साहू ने लखनऊ की तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी से मुलाकात भी की थी। उन्होंने सैनी से सुरक्षा की गुहार भी लगाई थी, लेकिन श्रवण साहू को सुरक्षा नहीं दी गई। इसके विपरीत आयुष साहू हत्याकांड के आरोपियों ने एक साजिश के तहत श्रवण साहू पर ही केस दर्ज कराकर फरवरी 2017 में श्रवण साहू की गोली मारकर हत्या कर दी। चुनावी माहौल के बीच लखनऊ में हुई इस हत्या के मामले में तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने सीबीआई जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई की लखनऊ स्टेट क्राइम ब्रांच यूनिट ने जांच शुरू की थी। शुरुआती जांच में ही अगस्त 2017 को तत्कालीन एसएसपी मंजिल सैनी से भी सीबीआई ने पूछताछ की थी। सीबीआई पहले ही श्रवण साहू हत्याकांड के मुख्य आरोपी अकील अंसारी समेत 7 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जांच एजेंसी ने श्रवण साहू की सुरक्षा में लापरवाही बरतने और जेल में बंद हत्या आरोपी के साहू को फर्जी केस में फंसाने के मामले में एसएसपी मंजिल सैनी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर मंजिल सैनी के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने की संस्तुति की है। 2005 बैच की आईपीएस मंजिल सैनी वर्तमान में डीआईजी हैं और केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में तैनात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IPM।